24 घंटे के अंदर अंदर ही मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है। 48 आवर से गूगल पे दो चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। और जैसे ही ये सब तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, #बायकॉट मालदीव। 7500 के करीब जो उनकी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई। तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। तो मोदी साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आ सकते हैं। अब तक का रिकॉर्ड उनका देख लो, उनके साथ इनको पंगे लेने की जरूरत क्या है भाई। कि भाई साहब 2050 तक मालदीव्स दुनिया में नहीं रहेगा। हमारे IT मिनिस्टर साहब ने आज बताया है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उन्होंने इनकार कर दिया है। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट भागे गए चाइना के पास में। इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के पास होता, इस तरह के तरक्की करवाने वाली सोच अगर हमारे पास होते तो क्या आज हम भी तरक्की ना कर गए होते। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर तो पेपॉल मौजूद है, हमारे यहाँ पेपॉल भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्षद्वीप आईलैंड के दौरे के बाद अब भारत के हजारों लोग अपनी मालदीव्स की ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और मालदीव्स के होटल्स लगातार कैंसिल हो रहे हैं। अब हमारी जैसे पासपोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, वो हमें लाइनों में लगा देते हैं, जाओ जी इधर लग जाओ। शख्सियत तो पहले वैसी लेके आओ ना, अब देखो मोदी है। अरे तो प्राइम मिनिस्टर की वो कपड़े उतार के चेकिंग ऐसे ही, और इंडिया वालों को वो कुछ भी नहीं करता। चोइसा, मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी, मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है, वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो आज 48 आवर से गूगल पे दो चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया, और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया बल्कि 7500 के करीब जो उनकी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई। तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। आखिर इसकी क्या वजह है कि मालदीव्स में नई आने वाली इस्लामिक गवर्नमेंट का क्या इशू हुआ इंडिया से, जिसकी वजह से उन्हें ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी बलोचिस्तान हो या बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर किसी एरिया में जाके टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो क्या पाकिस्तान के लोग उसे उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, इंटरनेशनली वो चीज ट्रेंडिंग पे जाएगी। इंडिया की अगर बात करें, हमारा नेबर कंट्री भी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लक्षद्वीप जो 36 तकरीबन जो उनसे हैं वो आइलैंड हैं, उनका एक मजमू है, वहां पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और प्रॉपर मालदीव्स को उन्होंने डायरेक्टली कह लें वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहां पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो उनसे वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है दो दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है, मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री, उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज लगा ली है, तो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस ये चीज है। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हम देखें पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिसे हम प्रॉपर प्रमोट कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस क्या है? और दूसरे नंबर पे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सीखना तो चाहिए, देखना भी चाहिए, वो जाते हैं अपने आइलैंड पे जाते हैं और वहां पे जाके वो अपना टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, और कोई भी कंट्री जो उनके अगेंस्ट या जो भी उनको उनकी पॉलिसीज को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है उन्हें वो वार्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, सबसे पहली बात ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी, पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, इस इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं, पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान का बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, वहां पे देखे तो वहां पे इंडिया से ज्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वोल्केनोस हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, जिनके लोग जो उनसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, अब देखे जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी खाने खा रहे होते हैं बाहर बैठ के, तो मजमुई तौर पर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कोई भी लेवल हो, मतलब आप टूरिस्ट, सिर्फ हमारी GDP टूरिज्म पे चल सकते हैं, इतना हमारे में वो है। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो के टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी सारी उसके ऊपर ही चल रही है। पता है आपको हैरत हो शायद सुन के, इस टाइम इंटरनेशनली दो दिन गूगल पे ये सर्च ट्रेंडिंग रही है, टॉप 10 में रही है, एक तो पीएम मोदी के नाम से
और दूसरे नंबर पे जो चीज ट्रेंडिंग रही है वो लक्षद्वीप के नाम से जो आइलैंड्स हैं उनके, उस हवाले से क्या समझते हैं? उन्होंने दो दिन का विजिट किया और पूरी दुनिया में बता दिया कि हमारे कंट्री में ये एक एरिया है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी एरियाज हैं, हम क्यों नहीं बता पाते? उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में कोई फर्क है? बहुत ज्यादा। इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं, पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें तो विजन में भी फर्क है। कोई विजन है? कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए? ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं, ठीक है। कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। एक था उसको आपके सामने क्या हुआ। यह हैरत वाली बात यह है कि चाइनीज मीडिया भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आ रहा है। सर आपने शायद ये चोइसा, मैं ये कहना चाहूंगा इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है, वो किस तरीके से कि चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है, सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर, उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है, टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जितने फॉरेन एजुकेटेड हमारी ब्यूरोक्रेसी जज जर्नैल हैं उनकी सोचे ही नहीं है पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं, फिजिकली पाकिस्तान में है, सोचे टोरंटो और लंदन में है, यही अलमिया है हमारा। उनको ना लेगेसी का शौक है ना किरदार साजी का शौक है, यही अलमिया है हमारा। और सर जैसे आपने बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाय वाला, और उन्होंने खुद बोला है दो तीन चार दिन पहले वो वहां पे एक विजिट पे गए हैं, किसी के घर में गए, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो चाय वाला हूं, मुझे पता है चाय कैसे बनाते हैं। लेकिन यहां से चीज मुझे ये समझ में आती है कि कंट्री हो, घर हो या कोई भी चीज हो, उसे चलाने के लिए एजुकेशन से ज्यादा शायद मेरे ख्याल से सिंसेरिटी मैटर करती है कि आप कितना सिंसेयर हैं किसी काम के साथ, अपने कंट्री के साथ या अपने किसी भी काम के साथ। बिल्कुल, उसमें चौसा मैंने जो बात की नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म इस वक्त अगर देखा जाए जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी सारी दुनिया में वो गिर चुकी हैं सवाए मोदी साहब की, सक्सेसफुल है और इट इज बूमिंग मेरे ख्याल में, इन द फ्यूचर यू विल सी इट। जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका रेड सी के अंदर उनके तीन जहाज हैं और भारत के इस वक्त चार जहाज हैं वहां पर, और जिस तरीके से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने आप डॉक्टर जयशंकर साहब का देखें, पहले वो रशिया गया, रशिया के बाद आज वो नेपाल गए हैं, उसके बाद मालदीव की जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो दे आर ओरिजिनली दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है नजाकत आ जाती है, उनकी इकॉनमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास, और वो एजुकेटेड ना सिर्फ वो एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है, तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है, दुनिया को कॉपी करना चाहिए। मैं अगर कह दे मैं या आप चॉइस ऑफ पाकिस्तान में किसी को कह दें कि मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट बने तो वो फौरन कह देते हैं नहीं जी आप तो राह के एजेंट हैं।